गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। एंड आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सॉन्ग छब्बी किसान बाय तांडा न्योली वाला। और अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया होगा तो आपको तो पता है कि पंजाबी नेम्स बहुत ही डिफिकल्ट से होते हैं, जिन्हें प्रोनाउंस करने में थोड़ी मतलब नाम लिखा कुछ और होता है, हम लोग प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, या फिर कई बार हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ नहीं, मैं खुद क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया होगा तो आप लोग प्लीज उस चीज को माइंड मत करना, क्योंकि कई बार हमें मुझे समझ नहीं आती है पंजाबी जो इनकी नेम्स होते हैं, कई कई नेम्स बहुत डिफिकल्ट से होते हैं, तो ये भी मुझे बताना आप लोग। एंड इनका ये सॉन्ग है और सॉन्ग आया है फार आर्मी के प्रोडक्शंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड गाने को आए हुए 2 दिन हुए हैं एंड व्यूज हो चुके हैं 1.8 लाख समथिंग। और मुझे इस सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज इस सॉन्ग पे वीडियो बनाइए, छब्बी किसान। तो मैंने कल वीडियो बनाई है, जो सॉन्ग आया है वार्निंग छब्बी अनाट 11, जो कि सिद्धू मूसेवाले का चैनल है, उस पे सॉन्ग आया है वार्निंग छब्बी बाय दीप दोसांझ। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वो देख सकते हो। और ये सॉन्ग है वार्निंग छब्बी, सॉरी छब्बी किसान बाय थांडा न्योली वाला। तो गाना आई थिंक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि नए चैनल में इतने व्यूज आना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो उनके व्यूज काफी कमाल के आ चुके हैं। और गाने में आपको लग ही रहा होगा पता कि छब्बी किसान जो टाइटल है वो क्यों दिया है, क्योंकि 26 को रैली होने वाली है हमारे फार्मर्स की, ट्रैक्टर रैली, तो आई थिंक उससे ये सॉन्ग रिलेट करता होगा। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इस सॉन्ग में बताया गया है, और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। होप सो आप लोग भी पूरी तरह से हमारे फार्मर्स के सपोर्ट में होंगे, जो जो लोग वहां बैठे हैं, अगर वो मुझे इस टाइम देख रहे हैं, जो जो हमारे फार्मर्स के साथ दिल्ली में बैठे हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज हिम्मत मत हारना, हम सब आपके साथ हैं। आप लोग प्लीज जितना आपसे बनता है आप उतना सपोर्ट कीजिए फार्मर्स को, सारा देश आपके साथ है, बस आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। तो 26 को पता चल जाएगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, हमें वेट रहेगी पूरी तरह से। और बाकी तो रिएक्शन वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे, बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग देख लेना, पसंद आएंगी तो आप लोग प्लीज लाइक भी कर देना, ज्यादा पसंद आएगी तो मैं बोलती रहती हूँ हर बार की शेयर भी कर देना, तो वो सब आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो अगर हम आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर दीजिए, और ज्यादा पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर किसी चीज की रिक्वेस्ट है आप सभी की तरफ से किसी वीडियो की, तो जिस सॉन्ग की ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, एंड जिसकी कम होगी तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगी बनाने की। बाकी आप लोग बस बताते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमारी वीडियोज को, और आपको हिमाचली रिएक्शन पसंद आते होंगे। एंड अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप लोग भी मुझे बता सकते हो। और गाइज, मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, हमारी सारी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है, तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और बाकी तो चलते हैं हम सॉन्ग की तरफ, कि सॉन्ग कैसा है। एंड लेट्स प्ले द वीडियो ऑफ छब्बी किसान। सर का ताज बन गया हमारे, हमें सीधी बात कहो, हमें खुद जे भगवान भी आज नहीं मोदी का पक्ष में, हमारे खिलाफ में तो लड़ांगे भाई। अरे मेरा हरियाणा मन दे रहा है, बात पूरा उतर रहा है भाई। अच्छा यू अंधभक्ति का ही पी लेगा बैठे नहीं भूत है, डूब के मर जाओ इन काले अंग्रेजा दा अच्छे तुम के मर जाओ, इंसान से बड़ा कोई देवता नहीं है। आ लिए हां ओ दिल्ली नहीं नहीं तेरी खैर, हरियाणा ते पंजाब नाल पया तेरा वैर, राजधानी वाले जाम करे तेरा सैर, चढ़ाने तेरी छातियां पटैर, ट्रालियां च खाट दिल्ली लंबी नी है फाट दिल्ली, जट नाल जाट दिल्ली डट देता डाट दिल्ली, इश्त तो मारे और होने के हालात, मर जांगे होई बड़ी बात, गोलियां ता छलनी चाहे हो जाओ गात, पर चाई दी नी जेड़ी हुण वंडे तू खरात, रह जिब तक मांग तेरे मुंह ते नहीं मनाई, मुड़ के नहीं जांदे अरे सौ पक्की खाई, हरियाणे वाले नाल खड़े देखता उताई, बोले मां ए जमीन ते पंजाब वड्डा भाई, मारा वड्डा भाई है पंजाब, हम इनके साथ है साथ है साथ रहे। ओ दिल्ली ए नी नहीं है तेरी खैर, हरियाणे ते पंजाब नाल पया तेरा वैर, राजधानी वाले जाम करे तेरा सैर, यूपी ना चढ़ाने तेरी छातियां पटैर, ओ रवि कुमार आज फिर जीत गया, इतिहास याद करे घर नाम लिख गया, गोदी
ਇੰਡੀਆ ਲਾਸਿਆ ਕੇ ਰਪੜੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਪਰ ਧਰਨੇ ਪੈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੀਜਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰ ਮੋਦੀ ਹਮ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੇ ਖੋਦੀ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਰਗਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾ ਖੂਨ ਜੀ ਨਾ ਫਸਲਾ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਥੀ ਬੋਦੀ ਬਟੈਰ ਝੁਕਦੇ ਨੀ ਲੜਾਂਗੇ ਰ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਗਰੇ ਫੌਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾ ਰੋਕੋਗੇ ਤਮ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬੁਖਾਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਸੀ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਗਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜੋ ਵਾਰ ਕਰੇ ਵਾਰ ਸੁਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਹਵਾ ਮੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਯੇ ਤਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਸਰਹਦੋਂ ਪੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਬੇਟੋਂ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਕਿਨ ਮੁਲਕੋਂ ਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਅਨਾਜ ਹਮਨੇ ਦੀਆ ਪਾਣੀ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੈ ਇਨ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਬੀਵੀਓ ਕੀ ਕੋਕ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਰਾ ਗਿਨ ਕੇ ਬਤਾ ਕਿਤਨੇ ਸਫੇਦ ਕੁਰਤੇ ਔਰ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਹਮਾਰੀ ਖੂਨ ਹਮਾਰਾ ਪਸੀਨਾ ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੈਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮਾਂਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਵਾਈ ਹੋਗੀ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬੋਛਾਰੇ ਔਰ ਗੋਲੀਓ ਕੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕੈਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਆਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਤੁਝੇ ਚੁਣਾ ਹੈ ਅਭੀ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਵਰਨਾ ਅੰਜਾਮ ਹਮਨੇ ਹਿਟਲਰ ਕਾ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਸਾ ਗੱਦਾਫੀ ਕਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗਸ ਬੋਲੇ ਹੈ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਉਨਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਮੈਂ ਤੋ ਯੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਪੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਵਹਾਂ ਜਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਗਾਈਜ਼ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ 26 ਕੋ ਕਿਆ ਬਨਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੇਟ ਰਹੇਗੀ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੇ ਲੋਕ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸੌਂਗ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇਨਕੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਝੇ ਅਬ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਹਾ ਇਨਕੇ ਉਪਰ ਕਿ ਭਾਈ ਵੋ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਸੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਵੋ ਉਨਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਿ ਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਤੋ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਰਹੇਂਗੇ ਯੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤੇ ਹਮੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਗਏ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਚ ਮੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋ ਵਹਾਂ ਬੈਠੇ ਤੋ ਕਿਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਐਸੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਨਮੇ ਉਨਕੋ ਉਨਕੋ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਉਨਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਵੋ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਹਮਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹਮਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੇਟ ਹਮ 26 ਕਾ ਫਿਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਬਨਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤੋ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ
और हमारे भाई लोग जो भी वहां बैठे हैं दिल्ली में, उनको मेरी तरफ से, हमारी तरफ से यही एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, सारा देश आपके साथ है। अगर हमें, अगर आपको ज्यादा नीड पड़ेगी तो हम लोग भी वहां आएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज अपनी हिम्मत जो है वो मत हारना। और वो हिम्मत हारने वालों में से है भी नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक वो हिम्मत हार चुके होते, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो डटकर सामना कर रहे हैं इस सिचुएशन का, तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए। एंड मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन जो है वो हमारे फार्मर्स के साथ है। वैसे सभी फार्मर्स के साथ हैं और बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये रहा सॉन्ग, बाकी हमारी वीडियोस को आप लोग बहुत सारा प्यार देते रहो, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।